किसान आंदोलन का सोलवा दिन आज किसानों ने सरकार पर किया जुबानी हमला। कहा सरकार कर रही आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास। वहीं सरकार ने कहा हमने दिए किसानों के सभी सवालों के जवाब। यूथ कांग्रेस चुनाव पर घमासान जारी। आज भी शाम 4 बजे तक होगी ऑनलाइन वोटिंग। गुरुवार को 36,956 कार्यकर्ताओं ने की वोटिंग। भोपाल दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जाएंगे शाजापुर निगम मंडल समेत कई मुद्दों पर हो सकती है यहां चर्चा। लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमतें। पेट्रोल कंपनी ने पिछले 20 दिनों में 11 बार बढ़ाए अपने दाम। राजधानी भोपाल में 91.46 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। और सतना में भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी। अस्पताल तिराहे के पास सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर 3 थानों की पुलिस भी तैनात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे और मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई थी 10:30 बजे। प्रदेश में पनप रहे ड्रग माफिया को खत्म करने को लेकर बैठक में चर्चा अभी भी जारी है। सीएस, डीजीपी, एडीएस, होम एडीजी, इंटेलिजेंस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही 15 जिलों के कलेक्टर, एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि लगातार ड्रग माफिया की यहां बढ़ोतरी, इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त मोड में नजर आए और ऐसे में उन्होंने संज्ञान में लिया ड्रग माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है। और इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई, जहां प्रदेश में पनप रहे ड्रग माफिया को खत्म करने को लेकर जो बैठक है 10:30 बजे से अभी तक जारी है। इसके साथ ही सीएस, डीजीपी, एसीएस, होम एडीजी, इंटेलिजेंस बैठक में मौजूद हैं। 15 जिलों के कलेक्टर, एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के निर्देश दिए थे। इसी पर हम चर्चा करते हैं महेंद्र जी। जिस तरह से लगातार हम भी देख रहे हैं किस तरह से ड्रग माफिया का जो रैकेट है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, क्या कुछ आपात बैठक के बाद लगता है कि कितने स्ट्रिक्ट एक्शन यहां नजर आ सकते हैं? बिल्कुल ऋतु, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप देखें तो जब से उपचुनाव हुए हैं उसके बाद से उनके तेवर बड़े तीखे और सख्त नजर आ रहे हैं। यही एक जो एक मुखिया के बतौर जो उन्होंने जो अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है वो तेज तर्रार शैली की, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। पिछले 15 साल भी सरकार में रहे लेकिन इस बार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान बदले बदले नजर आ रहे हैं ये बड़ा ये आप ये मान लें कि एक बहुत अच्छी बात है प्रदेश के लिए और माफियाओं के लिए बुरी खबर है। क्योंकि एक समय ये था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि जो है सॉफ्ट नेताओं में गिनी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से हार्ड कल्चर उन्होंने अपनाया है और अब वो सीधे मंच से सीधे सख्त निर्देश देते हैं कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, वो अब सावधान हो जाएं, वो प्रदेश छोड़ दें। इसी के तहत सबसे पहले आप देखें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो या फिर एंटी माफिया मुहिम हो या गलत काम करने वालों के मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये सब चीज़ों में अब मुख्यमंत्री सख्त हैं और किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। यदि आप गलत काम करते हो तो गलत का परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहो। सरकार इसको लेके बड़ी संवेदनशील नजर आ रही। इसी के तहत आज अभी बैठक शायद शुरू हो गई होगी, 10:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होनी थी। तो इस लिहाज से आप देखें कि नशा जो अवैध कार्य करते हैं या अवैध नशाखोरी का कार्य करवाते हैं उनके खिलाफ अब नशा मुक्ति प्रदेश की एक मुहिम चला रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उसके लिए आज उन्होंने 15 जिलों के कलेक्टरों की आपात बैठक बुलाई। इंदौर में एक ड्रग माफिया पकड़ा गया है, वो महिला है, उसके खिलाफ कल मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी आया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ही आज उन्होंने आपात बैठक बुला के प्रदेश के जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, सबको वो प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देंगे कि निश्चित तौर पर इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और प्रदेश को इस खराब चीज़ों से मुक्ति दिलाई जाए। इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे शिवराज सिंह चौहान, निर्देश देंगे, गाइडलाइन तैयार करेंगे और एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बैठक बुलाई है, इस बैठक का लब्बो लुआब अभी सामने आएगा, लेकिन एक बिल्कुल लाइन तय है, उन्होंने लाइन खींच दी है कि माफिया हो, अतिक्रमणकारी हो, अवैध कारोबार करने वाले हों, उनके खिलाफ अब सरकार कई कोई कोताही नहीं बरतने वाली। वो पहले ही साफ बोल चुके हैं कि ये
तत्काल रूप से प्रदेश छोड़ दें, इनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। बिल्कुल, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये एक्शन मोड तब से नजर आ रहा है जब 28 सीटों पर उपचुनाव होने थे और इसके रिजल्ट भी नहीं आए थे उससे पहले। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने कि उपचुनाव के बाद जिस तरीके से मैंडेट मिला भाजपा को, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस के 28 लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद आप देखें कि किसी को यकीन नहीं था, यानी कि भाजपा को भी ऐसा यकीन नहीं था कि इतना बड़ा मैंडेट पब्लिक हमें इतना सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो विधायक वहां से कांग्रेस से जीत कर आए हैं अब वो भाजपा से लड़ रहे हैं, तो एक दल बदल का मुद्दा है। लोग इस बात को लेकर भी इसमें एक चीज खुलकर सामने आई थी कि भाजपा के लोग भी आशंकित थे कि इतनी सीटें हमें मिलेंगी, इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, ये कैलकुलेशन में उलट फेर। लेकिन जब परिणाम सामने आए थे तब आप देखें कि परिणाम अप्रत्याशित थे और भाजपा को 19 सीटें मिली, एक बड़ी बात है। कांग्रेस को जो कांग्रेस सरकार में रही, जिस कांग्रेस को पिछले चुनाव में यानी कि 15 महीने पहले जनता ने सरकार बनाने के मौके तक लाई थी, उसके बाद अब देखें कि अब वो मौका उनके हाथ से चला गया था। और शिवराज सिंह चौहान का गदगद होना इसलिए भी बिल्कुल लाजमी है, और जैसे ही वो आए तो उन्होंने जो योजनाएं या जो उन्होंने अपने वचन पत्र में या जो उन्होंने अपने उसमें शेड्यूल में तय की कि हम ये करेंगे प्रदेश को लेकर, जितनी भी योजनाएं क्रियान्वयन करने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, उन सबको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए महेंद्र जी कि ये इस तरह से एक्शन मोड अचानक क्यों आया, क्योंकि इससे पहले भी 15 साल बीजेपी ने राज किया तब नहीं आया, क्या ये जो बीच में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद का झटका है ये? बिल्कुल ये झटका नहीं है, कांग्रेस ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरीके से मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन वहां पर चुन चुन के मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। चुन चुन के शब्द मैंने जानबूझ के प्रयोग किया है इसलिए क्योंकि चिन्हित करके कि ये भाजपा से जुड़ा हुआ है, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ऐसी स्थितियां नहीं है, यहाँ पर एक समरूपता के साथ कार्रवाई करवा रहे हैं, जो सरकार है वो करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो पुलिस विभाग है या जो प्रशासनिक अमला है सबको। मुख्यमंत्री इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आप देखें पिछले 3 दिनों से लगातार वल्लभ भवन से ही संदेश दे रहे हैं, मैराथन बैठक कर रहे हैं, इसके बाद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कलेक्टर से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यदि कोई अधिकारी भी बीच में कोताही बरतता पाया जाता है तो सीधे सस्पेंस। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम का जो एक्शन मोड है यहाँ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीएनएन में। रवि जी, सीएम का एक्शन मोड एक बार फिर यहाँ नजर आया जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान एक आपात बैठक सुबह 10:30 बजे बुलाई, जो अभी जारी है, जिसमें ड्रग माफियाओं के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से प्रदेश में ड्रग माफियाओं की रोकथाम करनी है, इस पर आपका एक कमेंट। जी रितु जी, बिल्कुल, दरअसल कल भी शिवराज जी ने एक बैठक डीजीपी को बुलाकर भोपाल के बारे में चूंकि इस तरह के निर्देश दिए थे और अब उन्हें लगता है कि शायद पूरे प्रदेश में इसकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने आज ये आपात बैठक बुलाई है। और प्रदेश के सभी बड़े शहरों या छोटे कस्बों में भी जहां जहां ड्रग माफिया, खास करके जैसे इंदौर में अभी जो मामले सामने आए, एक बड़ा रैकेट पकड़ा है वहां की पुलिस ने, तो इस तरह की भोपाल और बाकी अन्य शहरों में भी जरूरत है। ऋतु जी देखेंगे कि देखिए ड्रग माफिया ने काफी पैर पसारा है, महाराष्ट्र का उदाहरण भी सामने है, वहां पे किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के जो है मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जहां तक शिवराज जी के एक्शन की बात है तो आप देखेंगे ऋतु जी की चौथी पारी में दरअसल ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी कही जा सकती है, क्योंकि अब अगर आप देखें तो केंद्र सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सुशासन लाने पे जोर दिया है पूरे देश में, पिछले 6 सालों के दरमियान उन्होंने तमाम लीकेज पॉइंट को बंद करने की कोशिश की है, तो मतलब शिवराज जी भी जो है वो कोई ऐसा कमजोर बिंदु नहीं छोड़ना चाहते हैं जो उनको लेके कल को प्रश्न चिन्ह खड़े हों, क्योंकि पिछले 15 साल जो इससे पहले की सरकार थी उसमें हालांकि समय समय पर वो दिशा निर्देश देते रहे लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं हो सका। पहले भी ड्रग माफिया के खिलाफ या माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात है पिछली सरकारों में भी की जाती रही है लेकिन उसका असर उतना नहीं देखने को मिला है, इसीलिए मुझे शिवराज जी जो है लगातार पिछले 1 महीने से उन्होंने जब से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप जारी किया है उसके बाद से उन्होंने लगातार संदेश दिया है। अभी 2 दिन पहले जब कमिश्नर कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस थी उस समय भी उन्होंने एक एक जिले का इनपुट लेकर और कलेक्टरों को बताया कि देखिए आपके जिले में कहाँ क्या चल रहा है, तो इसका
मैदानी अधिकारियों को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है एक एक मामले में निगाह रखे हुए हैं। और आज जो अगर ड्रग माफिया को लेकर अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले एक सप्ताह में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर जहां पर इस तरह की लापरवाही सामने आई तो उसका कार्रवाई भी हो सकती है। तो सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ एंटी माफिया यानी कि माफिया मुक्त प्रदेश, ये दो मुहिम एक साथ जुड़ गई अब सर? मैं दरअसल देखिए ये शिवराज जी कहें या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सुशासन पर जोर देती रही है। गुड गवर्नेंस स्कूल तक मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए, हालांकि उतने उसका परिणाम नहीं मिले जो अपेक्षाकृत परिणाम होना चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि चौथी बारी है तो सरकार का जोर सुशासन पर है ताकि अगर जब 2023 में सरकार चुनाव मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी तो वो कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ना चाहती जो 2018 में उन्हें झटका मिला या केंद्र में इस तरह के कोई नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हों। तो ये जो तमाम कवायद है मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में है। शिवराज जी एक सख्त प्रशासन देकर, साफ सुथरा प्रशासन देकर ये बताना चाहते हैं कि उनकी नीयत और तमाम जो मंशा है वो पूरी तरह साफ है और वो सुशासन लाना चाहते हैं प्रदेश में। सर, ये प्रशासन पर और शिवराज सरकार पर कांग्रेसी तो लगातार हमलावर हैं कि चुन चुन कर कांग्रेसियों पर कार्रवाई कर रही है इस बहाने से, इस मुहिम के बहाने से सरकार। देखिए ये प्रतिपक्ष जो है हमेशा इस तरह की बातें करता है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे सत्तारूढ़ दल पर, लेकिन देखा ये जाता है कि जो इन्वॉल्व होता है वही आरोपी बनता है। ऐसा हर किसी को निर्दोष को तो आप आरोपी बना नहीं सकते क्योंकि आपको अदालत में भी वो साबित करना होता है। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो प्रशासन कार्रवाई करता है उसे तो पूरे नियम कायदों के साथ ही कार्रवाई करनी पड़ती है। चलिए रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 10:30 बजे एक आपात बैठक बुलाई थी और ये आपात बैठक अभी भी जारी है और ड्रग माफियाओं की रोकथाम के लिए बैठक बुलाई थी, जहां से एसडीजीपी, एसीएस, होम, एडीजी, इंटेलिजेंस बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के निर्देश भी यहां पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए थे। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं, जहां निगम मंडल और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों दिग्गजों के बीच बातचीत भी हो सकती है। वहीं शाहजहांपुर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 1,59,00,000 रुपए की लागत से बने नए इंटकवेल का लोकार्पण करेंगे। महेंद्र जी, क्या कुछ लगता है, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में यहां पर उथल पुथल मचती है और ऐसे में दौरे भी लगातार, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, सीएम से मिलना, किस तरह के क्या कुछ मायने होते हैं इसके? बिल्कुल रितु, अब तो मेल मुलाकात किसी की भी हो, किसी भी बड़े लीडर की, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, तो अब यहां तो दो दिग्गजों की मुलाकात इस या आप मान लें पिछले एक महीने में तीसरी बार, और ये उन दिग्गजों की मुलाकात है जिन्होंने उपचुनाव में जिनकी जुगलबंदी ने सकारात्मक परिणाम लाए थे भाजपा के लिए। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ दौरा, इसके बाद शाहजहांपुर जाना, उसके बाद इंदौर में जाना, तो अभी दो शादियों में या शाहजहांपुर निजी कार्यक्रम है उनके, इसके बाद वो इंटकवेल का उद्घाटन है। इन सब चीज़ों के को जोड़ के हम देखें तो यहाँ एक प्रोग्राम तय है दोनों का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन जब मिलते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो सुगबुगाहटें निश्चित तौर पर तेज होती हैं, और इस समय इनकी मुलाकात हो रही है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, संगठन का विस्तार होना है, उसके बाद सरकार का विस्तार होना है। अब यहां पर नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, निगम मंडलों की नियुक्तियां होना है, ये चार चीजें जो चार बड़े फैसले हैं सरकार को वो लेना है। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात और साथ, अब मुलाकात के बाद साथ भी रहने वाला है पूरे दिन का। ऐसा ही अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि वो यहाँ आए थे, उसके बाद ओरछा गए थे, ओरछा से दिल्ली गए थे, तो ये तब भी बातें हुई होंगी और अब भी होंगी। ये जायज बिल्कुल सहज बातें हैं कि चुनाव चल रहा है तो चुनाव में बातें भी होंगी। अब इन बातों के आप कितने भी मायने निकाल लो, लेकिन ये बात हकीकत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत सारे लोग हैं जिनको एडजस्ट होना है सरकार में, संगठन में, निगम मंडलों में, तो इन सब को लेकर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर होगी कि अगला विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन।
बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। बंगाल की जनता, ऐतिहासिक जनता ऐसी एक सरकार को उखाड़ के फेंकेगी, जितना भी हम निंदा करेंगे वो कम रचा जा रहा है बंगाल में। मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता, ऐतिहासिक जनता ऐसी एक सरकार को उखाड़ के फेंकेगी, जितना भी हम निंदा करेंगे वो कम। जितना भी हम निंदा करेंगे वो कम रचा जा रहा है बंगाल में। मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता, ऐतिहासिक जनता ऐसी एक सरकार को उखाड़ के फेंकेगी, जितना भी हम निंदा करेंगे वो कम रचा जा रहा है बंगाल में। मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में बंगाल तरह से निंदा की है, जो हमला कल जेपी नड्डा और विजय वर्गीय पर हुआ था, लेकिन उससे पहले चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़ गए हैं। सर, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं और ऐसी जब जैसे ही वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने सीधा बंगाल के बारे में कहा कि जो बंगाल में हमला हुआ जेपी नड्डा और यहाँ इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ काफिले पर, उसकी घोर निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा जो बंगाल की जनता है वो एक ऐतिहासिक फैसला आगे आने वाले दिनों में सकती है। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसी लाइन को टोक लिया है जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ाती जा रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भी बाउंस बैक किया है। उन्होंने कहा यहाँ नड्डा फड्डा न जाने कितने लोग चले आते हैं, उसके बाद अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में सारे अभियान को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक देशव्यापी आवाज देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश से बात कही है। कुल क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड वो कांग्रेस से है, कांग्रेस से आकर वो भाजपा के रंग में उसी तरह रंग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इससे भाजपा के जो अभियान है उसका वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं और निश्चित तौर पर उनको करना ही चाहिए, क्योंकि भाजपा की आज की तारीख में बड़े नेता है। क्या अब भाजपा तीन विधानसभा सीट से 200 का जो मिशन लेके चल रही है, यहाँ कहाँ संभावनाएं पाते सर बंगाल में भाजपा का, चूंकि लोकसभा का ग्राफ देखकर या फिर और आज का परिदृश्य देखकर? देखिए बहन जी, कुल मिला के विधानसभा में जो भी नतीजे रहे हों, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया था। और अभी हाल ही में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ममता बनर्जी के पुराने साथी उनका जिस तरह साथ छोड़ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका आधार और आकार यानी वोट बैंक और आकार यानी उनकी जीत की संख्या दोनों बढ़ सकती है। ऐसे में भाजपा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरी है, जैसा कि अन्य राज्यों में उसने प्रदर्शन किया है। और इसी का आप नतीजा देखिएगा, राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव के नतीजे आए हैं, वो भाजपा ने अपने आप को बहुत ताकत के साथ उपस्थित किया है। दरअसल भाजपा चाहे नगरीय चुनाव हो जैसे हैदराबाद का मामला हो, चाहे ग्रामीण चुनाव हो जैसा कि राजस्थान का मामला हो, या विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का हो, पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ लड़ती और उसके पूरी फौज फाटा उसमें मैदान में उतरता है। यही भाजपा की सबसे बड़ी खूबी है। भाजपा अब एक पार्टी से ज्यादा एक इलेक्शन मशीन के तौर पर काम कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ममता जी को छोड़ने वाले उनके टीएमसी के प्रमुख नेता भाजपा के लिए मुसीबत तो नहीं बनेंगे सर, क्योंकि इन्होंने ही तो प्रताड़ित किया भाजपा कार्यकर्ताओं को? देखिए राजनीति में कुछ भी संभव असंभव नहीं होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही राजनेता हैं जो भाजपा नेताओं को तमाम तरह से आक्षेपित और आरोपित करते रहते थे, भाजपा के नीतियों पर सवाल खड़ा किया करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़ा किया करते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की और उनकी आंख के तारे बने हुए हैं। दरअसल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तमाम तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि जो मंच पे बातें कही जाती हैं वो अलग होती हैं और दिल में जो कुछ होता है वो कुछ और ही होता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ श्री अनुराग पटेरी जी जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने जिस तरह से कल या बंगाल में जेपी नड्डा पर हमला हुआ था उसकी घोर निंदा की। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय पर भी, उनके काफिले पर भी हमला यहां किया गया था, जिसकी घोर निंदा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की।
इस बीच एक बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन का 16वां दिन है, अभी तक नहीं निकला कोई हल। किसानों से बातचीत कर कानून में बदलाव के लिए तैयार है केंद्र सरकार। किसान संगठन बोले, नहीं चाहते बदलाव, कानून खत्म करे सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन ऐसे में उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और आज किसान आंदोलन का 16वां दिन है, अभी तक कोई भी यहां नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। किसान और सरकार अपने अपने फैसलों पर अड़े हुए हैं, ऐसे में किसानों से बातचीत कर कानून में बदलाव को केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन किसान संगठन बोले कि नहीं चाहते बदलाव, वो कानून खत्म करने पर ही अड़े हैं। महेंद्र जी, आज 16वां दिन लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हम आंदोलन की तस्वीर देख रहे हैं, और अब देश भर में ट्रेनें रोकने की बात भी यहां कही जा रही है, क्या कुछ लगता है किस तरह से आगे किसको पहले करनी है, झुकना पड़ेगा और इस आंदोलन को खत्म करना पड़ेगा? सरकार अब इंतजार कर रही है ऋतु, सरकार ये वेट कर रही है कि किसान गलती करें और उसको सरकार लपक ले, लेकिन किसान ये उम्मीद अभी भी पाले हैं कि सरकार उनकी बात मानेगी। 16वां दिन है, किसानों ने अपना आंदोलन धीरे धीरे उग्र करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। उनकी जो बैठक हो रही है, उनके जो संगठन हैं उनकी बैठक हो रही है, उन्होंने धीरे धीरे अपना उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। पहले हाईवे जाम करने की बात कही, तो अब ट्रेन रोकने की बात कही। ऐसे में आप देखें कि सरकार अभी कुछ नहीं बोल रही है। सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या कृषि मंत्री हैं, अब पहले तो उनके बयान भी सामने आ रहे थे, अब सिर्फ सरकार के हवाले से इतना ही कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार और जो बिल है उसमें थोड़ा बदलाव करने को भी तैयार है। सरकार ने इन बातों को प्रपोजल किसानों के पास भेजा था, किसानों ने उसको अस्वीकार किया। सरकार हर बार किसानों के पाले में गेंद फेंक रही है, इससे कि अब इस आंदोलन को यदि कुछ सरकार को कड़ा निर्णय लेना पड़े तो सरकार के पास अपना पक्ष रखने के लिए कुछ मुद्दे हों। ऐसे ही सरकार ने गेंद अब किसानों के पाले में छोड़ दी है कि हम बदलाव करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार है, लेकिन किसान यहां अड़े हैं कि बदलाव की बात नहीं होगी, बात होगी तो कानून खत्म करने की। तो कानून खत्म नहीं करेगी जब तक सरकार, तब तक हम अड़े रहेंगे, और अड़ने के अलावा अब उग्र होंगे। उग्र जैसे ही किसान होंगे, निश्चित तौर पर सरकार एक्शन लेगी, और इस एक्शन का रिएक्शन अब क्या होगा ये तो अभी आगे आगे पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हल पहले से ही निकालना किसी को पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दिन भी ट्रेन रोक दी गई, ट्रेन की गति को रोक दिया गया, तो इसका भुगतान सिर्फ आमजन को करना पड़ेगा। तो इसमें दो बातें हैं कि एक बात कि सरकार पहले से मुस्तैद है, कि सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार स्ट्रेटजी पे किसानों की नजर नहीं रख रही है। किसान तो खुले तौर पर बोलते हैं जो उन्हें अगले दिन करना होता है, तो सरकार इसको डिफेंसिव मोड में ले रही है। सरकार इसको, अगर वो ट्रेन रोकने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार सख्त होगी, और यदि वो हाईवे अब दोबारा से यदि कुछ भारत बंद जैसा प्लान करेंगे तो सरकार बिल्कुल आप तटस्थ रहेगी और सरकार सख्त एक्शन लेगी। अब सरकार और किसानों के बीच आर पार की लड़ाई का दौर है। सरकार ने महेंद्र जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, सीधे आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा को यहाँ जारी रखेंगे, जहाँ किसान आंदोलन का 16वां दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बोल रहा था आपसे कि यहाँ पर सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है और किसानों का रिएक्शन देख रही है, बराबर वॉच कर रही है वो। अब लेकिन किसान कहाँ तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं, वो वेट कर रही है कि धीरे धीरे ठंड जो बढ़ रही है इस तरीके से पारा गिरेगा तो किसान भी छटेंगे। वो छटने का इंतजार, जो उनके संगठन है उसको तोड़ने के प्रयास में सरकार है कि उसमें जैसे तैसे सेंध लग जाए, कुछ आंदोलनकारी वापस हो जाएं और कुछ डटे रहें, सरकार उसमें एक्शन लेगी। लेकिन यहाँ पर किसान भी एकजुटता का संदेश जिस तरीके से दे रहे हैं, वहां पर पूरे 6 महीने का राशन पानी लेकर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, और देश से उन्हें संबल मिल रहा है, लोगों से संबल मिल रहा है। ऐसे में सरकार की मुसीबतें अभी तो बढ़ रही हैं, फिलहाल अब देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन सरकार अब ज्यादा झुकने के मूड में नहीं है। बिल्कुल महेंद्र जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, सीधा आपको दिखाते हैं, जो हमारे संवाददाता अनन्या चतुर्वेदी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से वन टू वन चर्चा कर रही है। बालू माफिया, वाइन माफिया, लैंड माफिया, इसी कागज के अंदर निर्ममता नहीं, इन्हीं के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। हम लोग की साजिश की माफिया बनाते हैं, और ये माफिया जो हम लोग की साजिश करते हैं उसको उन
उनके भाई और भतीजे भी बैठते फिर तय होता है कि इस पर कब हमला। कल्पना कर सकता है 124 दिन काल पब्लिक हो गए हमारे कार्यकर्ता। मेरे को वहां पर 5 लोग फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार नमस्कार।